हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूखे नारियल से बनने वाली बर्फी। वैसे तो डेसिकेटेड कोकोनट से सभी लोग बर्फी बनाते हैं, लेकिन सूखे नारियल से बर्फी बनाना लोग कतराते हैं। तो चलिए आज इसी को बनाते हैं। ये काफ़ी टेस्टी बनती है, देखने में देखो कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सूखे नारियल की बर्फी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मुझे चाहिए सूखे नारियल। तो मैंने यहाँ पे देखो बिल्कुल जो सूखे वाले नारियल होते हैं ना, वो वाले लिए हैं। इनको मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने नारियल को कुछ छोटे छोटे एकदम कतीरों में कट कर लिया है और अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ना अच्छे से मुझे पीस लेना है। इतना नहीं पीसना है कि गोले का तेल निकल जाए, आपको नॉर्मल पीसना है कि गोले का बुरादा तैयार हो जाए। क्योंकि ये जो सूखा नारियल होता है ना, जब हम इसे मिक्सी में डाल के पीसते हैं ना, तो इसका तेल निकल जाता है। तो मिक्सी आपको रोक रोक के चलानी है। और यहाँ पे देखो मैंने एकदम बुरादा सा एकदम तैयार कर लिया है, तेल बिल्कुल भी नहीं निकला है। यहाँ मैंने दो नारियल का बुरादा लिया है, जो बोल है मेरे पास दो नारियल के बुरादे का। अब यहाँ पे ली है मैंने कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी एक चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो घी है ना, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। घी को चारों तरफ मैं अच्छे ऐसे से फैला लूंगी। और उसके बाद मैंने दो नारियल में एक कप यहाँ पे चीनी ली है, जिसको हम कैरमलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कप नॉर्मल चीनी लिया है, उसको डायरेक्ट इसके अंदर डालेंगे और इसको कैरमलाइज करेंगे हम। जब तक हमारी चीनी, कुछ भी ऐड नहीं करना है पानी वगैरह, चीनी अपने आप मेल्ट होगी, अपना पानी छोड़ेगी। ये देखिए ये हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे मेल्ट होती जाएगी ना, तो एकदम गांठे सी बनती जाएंगी, टाइट टाइट आपको जो फील होगा जब आप इसे हिलाओगे। तो यहाँ पे देखो एकदम मोटी मोटी गांठे आपको दिखाई दे रही होंगी, ये कैरमलाइज हो रही है। ये देखो कलर एकदम चेंज होने लगेगा। ये देखो आप हल्का सा मेल्ट हो गई है, मुझे थोड़ा सा और मेल्ट करना है। जो इसके अंदर गांठे हैं वो बिल्कुल अच्छे से हमको मेल्ट कर लेनी है, बिल्कुल भी इसमें गांठ नहीं रहनी चाहिए। इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जैसे जैसे ये कैरमलाइज होती जाएगी इसका जो कलर है वो हल्का डार्क होता जाएगा। यहाँ पे देखो ये पूरे तरीके से अच्छे से मेल्ट हो गई है, कैरमलाइज हो गई है, बिल्कुल भी इसके अंदर गांठे नहीं है। जैसा मैंने कहा था एकदम कैरमल जैसे इसका कलर हो जाएगा। और अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी दूध। तो मैं यहाँ पे एक गिलास दूध ऐड कर रही हूँ। दूध डालते वक्त आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, क्योंकि दूध डालते ही ये हार्ड हो जाएगा। देखो एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना आपका ये कैरेमल, बिल्कुल एकदम हार्ड हो गया है। अब दूध के अंदर आपको इसे एकदम बहुत ही हल्की फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ये देखो ये पूरे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, एकदम स्टिकी सा हो जाता है। तो थोड़ी सा मतलब हार्ड हो जाता है, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है कि आपको इसे अच्छे से इसमें मेल्ट कर लेना है। फ्लेम का आपको इसमें पूरा ध्यान रखना है कि जो आपकी फ्लेम हो वो एकदम लो हो। इसकी जो फ्लेम है दोस्तों वो लो टू मीडियम रहनी चाहिए, एकदम मीडियम फ्लेम पे आपको उसको इसमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है, घोल लेना है बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारी कैरमलाइज चीनी थी वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो गई, दूध में पूरे तरीके से इसमें मेल्ट हो गई है और एकदम बढ़िया उबाल आ रहा है। और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपना नारियल, जिसको हमने पाउडर तैयार किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूंगी। और इसको हम दोस्तों मीडियम फ्लेम पे अच्छे से थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी ताकि ये इसके नीचे चिपक ना जाए। यहाँ पे चलाते चलाते काफ़ी थिक हो चुकी है और ये देखो एकदम परफेक्टली ये सेट हो जाएगी। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मैं इसे एक प्लेट में सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने प्लेट ली है और प्लेट को मैंने हल्का सा घी से ग्रीस कर लिया है और इसमें मैं अपनी बर्फी को सेट करूंगी। यहाँ पे इसको प्लेट में इवनली ना स्प्रेड कर दूंगी ताकि इसका ऊपर नीचे हिस्सा ना रहे, एकदम इवनली आपको सेट कर लेना है। और थोड़ी उस कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ये एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगी। अभी काफ़ी गर्म है ना, इसीलिए आपको इतनी लचीली लचीली दिखाई दे रही है।
मैंने इसको देखो यहाँ पे एकदम इवनली सेट कर दिया प्लेट में। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही ऐसे ही छोड़ दूंगी। और ये देखिए दोस्तों, मेरी जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो गई है। मैंने इसे सिल्वर वर्क के साथ गार्निश किया हुआ है और मैंने इसमें कट्स डाल दिए हैं। अब ये एकदम पूरे तरीके से परफेक्ट इसके अंदर सेट है और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। मैंने इसे कुछ तिल और यहाँ पे मैंने खरबूजे के बीज, जिन्हें मगज का बीज कहा जाता है, उसके साथ गार्निश करा है। और दोस्तों, ये रेसिपी काफ़ी अच्छी है। सूखा नारियल घर में पड़ा रहता है, वो ख़राब हो जाता है, तो उससे बढ़िया हम इसकी मिठाई तैयार कर लें। ये काफ़ी दिनों तक हम स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत एनर्जेटिक होती है। बहुत सारे प्रोटीन और फाइबर इसके अंदर होते हैं। आप इसे बच्चों को खिला सकते हो, बच्चों से इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फेस्टिवल पे इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इंस्टेंट रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और दिखने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है।